हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। तो पहले चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, फिर देखते हैं हमारी न्यूज। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे को लेके हैं। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो, पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ना, वो एशिया और जो पैसिफिक वाला एरिया होगा ना, उसके बीचों बीच में, जैसे आपको ये देखो हमारा इंडिया हो गया, फिर इधर ये जो छोटी छोटी साउथ सीट जो कोई कंट्रीज है वो हो गई यहाँ पे, ये फिर जापान हो गया यहाँ पे, और फिर ये इधर हमारा अफ्रीका हो गया, ये हो गया, जैसे हमने मैप बना लिया। अब ये कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एशिया मतलब ये वाला हिस्सा और इसके साथ ही पैसिफिक ओशियन, तो देखो यहाँ पे कि ये वाला हिस्सा है वो है एक्चुअली सेंट्रल एशिया फ्लाईवे। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब भारतीय जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपप्रायद्वीप है, उसकी बात यहाँ पे कह रहा है कि वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक हिस्सा है। तो अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब एक बार खुद देखिए कि अगर यहाँ से मतलब एशिया के, आप ये मान लो कि मॉस्को रशिया वाले हिस्से से लेकर आप अगर पैसिफिक वाले हिस्से तक मानोगे तो इसमें तो इंडिया काउंट होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है, ये चीज़ तो आपको पता होगी कि देखो इंडिया में काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो आते हैं एक काफ़ी दूर, जैसे साइबेरिया से भी आते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों में से एक स्टेटमेंट तो सही है, जबकि हमें पता चल रहा है कि भाई दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो तो एशियन सॉरी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक पार्ट है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ही कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये होगा यहाँ पर कि एशिया और जो इंडियन ओशियन के बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला बेल्ट, ये आता है बेसिकली सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के तहत। तो ये आपको फैक्ट है, वो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर वो ओनली बी हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके साथ एक ये भी ध्यान रखना है आपको कि इंडिया ने एक प्लान भी लॉन्च, इंडिया का एक प्लान भी था जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ये माइग्रेटरी स्पीसीज मतलब कौन सी होती हैं? वो पक्षी जो बाहर से माइग्रेट होकर इंडिया में आते हैं, उनके लिए इंडिया ने प्रोटेक्शन के लिए, उनको मतलब कंजर्व करने के लिए अभियान चलाया था। ये चलाया था बेसिकली सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के तहत ही। तो ये आपको इफेक्ट है वो ध्यान में यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सी विजिल ऐप के बारे में है कि यह एक इनिशिएटिव है, कौन सी एजेंसी का है। पहला आपके ऑप्शन आपके सामने दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा दिया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तीसरा दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, और चौथा ऑप्शन दिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखो, आपको थोड़ा बहुत ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार मे बी सेकेंड वाला सही हो। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपको बता दूँ यहाँ पे गलत है, बाकी थर्ड और फोर्थ तो साफ साफ गलत है। अब हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट, ये देखो डायरेक्टली न्यूज़ में था और इसको हमने डिस्कस भी किया था सी विजिल ऐप के बारे में। ये देखो, आपको पता है कि 2019 में इलेक्शन है इस साल, और उसी लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो हमारे देश का मेन इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा दो दिन का एक इनिशिएटिव या एक वर्कशॉप ट्रेनिंग स्टार्ट की गई थी, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके नई टेक्नोलॉजी के साथ, उनको बताया जाए कि जैसे कोई भी मॉडल जो कोड ऑफ कंडक्ट की नहीं आचार संहिता लगती है, तो उस दौरान कोई भी अगर रूल रेगुलेशन वॉयलेट होता है, अगर आप कोई भी कंप्लेन दर्ज करनी हो नियर डाटा वगैरह की, तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी इस एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड है, वो करवाई जाएंगी। तो यह एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट के बारे में। क्वेश्चन ये है कि सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट यानी कि SFDR जो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। आपको बताना है कि SFDR प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के बारे में, देखो ये एक्चुअली साइंस एंड टेक का यहाँ पे क्वेश्चन है। अब आप देखिए, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, मतलब यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है जो कि इसरो और DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें एयर है, जो हवा होती है उसको ऑक्सीडाइज के तौर पे यूज किया जाता है, और इसी के साथ ही इसको मतलब गति है वो मिलती है। अब आपको बताना है कि दोनों में से स्टेटमेंट सही कोई है कौन सा। देखो, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहली बात तो यह है कि यह इसरो और DRDO का नहीं बनाया हुआ है, यह बनाया गया है DRDO और रशिया का। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया के DRDO और जो रशिया है, उन दोनों के द्वारा इस टेक्नोलॉजी SFDR टेक्नोलॉजी बनाई गई है। अब देखो, थोड़ा सा हम एक बार बैकग्राउंड में देख लेते हैं एक बार कि जैसे रॉकेट वगैरह है वो किस बेसिस पे उड़ते हैं। देखो, रॉकेट जैसे आपको पता है कि रॉकेट है, उसमें पीछे की साइड से आपको देखा कि आग से लगी हुई होती है, तो फायर है वो थ्रस्ट लगाती है। तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, जो फायर पीछे की तरफ थ्रस्ट लगाती है तो उससे रॉकेट है वो आगे की तरफ गति हो करता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई एक्शन हो गया इस साइड तो ऑब्वियसली इसके प्रति रिएक्शन भी होने वाली है। उस रिएक्शन के फलस्वरूप ही रॉकेट है वो ऊपर की तरफ ही आगे की तरफ गति है वो करता है। तो इसमें होगा क्या, देखो नॉर्मली रॉकेट में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक रॉकेट हो गया यहाँ पे,
इस रॉकेट के अंदर क्या है, फ्यूल के तौर पे फ्यूल भी भेजा जाएगा और एक ऑक्सीडाइजर भी भेजा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ को जलाना है तो ऑब्वियसली उसके ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से हमारी अर्थ पे कुछ भी जलाते हैं तो आपको पता है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, विदाउट ऑक्सीजन हम उस चीज़ को नहीं जला सकते। इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीडाइजर का यूज़ किया जाता है। अब आप खुद देख सकते हो कि अगर इस रॉकेट में ऑक्सीडाइजर भी जला जा रहा है और जो प्रोपोशनल हम यहाँ पे बात करें, जो प्रोपेलेंट होगा यानी जो भी ईंधन वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो भी डाला जा रहा है, तो इसका मतलब इनसे काफ़ी सारा हैवी वेट हो सकता है। तो इसीलिए SFDR टेक्नोलॉजी में क्या किया गया है कि जो यहाँ पे ऑक्सीडाइजर है, जो हवा या एयर की ज़रूरत होती है, वो डायरेक्टली जो हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है उसका यूज़ किया जाएगा। मतलब इसमें अलग से हमें जो एयर है उसका यूज़ नहीं करना पड़ेगा ऑक्सीडाइजर का, वो बाहर से जो एटमोसफेयर की जो एयर है उसी को यूज है वो किया जाएगा। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड या एनिमल कैन स्पॉटेड इन इंडिया। तो आपको बताना कि इंडिया में कौन सा बर्ड और एनिमल में से पाया जाता है। पहला दिया गया है अमूर फाल्कन्स, दूसरा दिया गया है बार हेडेड गैस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन, चौथा ऑप्शन दिया गया है मरीन टर्टल, चौथा दिया गया है डुगोंग, फिर पांचवा दिया गया है डुगोंग, छठा दिया गया है हम्पबैक व्हेल्स। अब आप सोचिए, देखो हम यहाँ पे बात करें, ये सारी की सारी जो स्पीसीज आपको दी गई 6 की 6, ये सब की सब माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और ये सब है वो इंडिया में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है यहाँ पे कि जो हेलेना है वो एक इंडिजिनस मिसाइल है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसका है, नाग मिसाइल का ही एक लैंड टू एयर वर्जन है। मतलब पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हेलेना है वो एक स्वदेशी उसको डेवलप किया गया है और एयर टू लैंड वर्जन है नाग मिसाइल का। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि नाग मिसाइल है वो वन ऑफ द 5 मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO। देखो DRDO का जो एक प्रोग्राम था जिसका नाम था यहाँ पे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत नाग मिसाइल को डेवलप है वो किया गया था, ये कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। तो अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो बेसिकली जो ये प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चलाया गया था लगभग 1984 के टाइम पे आया था कि इंडिया को भी खुद की अपनी मिसाइल बनानी है, ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्रीज पे इंडिया निर्भर रहे। और इसी दौरान 5 मिसाइलें बनाने की बात की गई थी और उसमें थी एक नाग मिसाइल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नाग मिसाइल है वो IGMDP जो प्रोग्राम है उसी का एक हिस्सा है, और इसका जो हम बात कर एयर टू लैंड जो वर्जन है उसका नाम है हेलेना। तो ये आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। जो पहला आज का आर्टिकल आया है वो आया है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी कि GSP। देखो पहला फैक्ट इसका यही है कि जो GSP है ये इंडिया का नहीं है, ये USA का है। अब है क्या ये हम देखते हैं। GSP का मतलब यहाँ पे है सामान्यकृत वरीयता प्रणाली। देखो जो डेवलप कंट्री होती हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे होते हैं कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के पास नई टेक्नोलॉजी होती है, काफ़ी अच्छे तरीके से वो चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं आपको पता है ओब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज से बेस्ट ही रहते हैं। तो होता क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनको भी ट्रेड में बेनिफिट हो सके, इसके लिए क्या होता है कि जो डेवलप कंट्री होती हैं जैसे कि USA वगैरह हुआ, UK जैसी कंट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट है ना इनको प्रेफरेंस या इनको वरीयता देती हैं कि हाँ भाई ठीक है आपके ऊपर हम टैक्स कम लगाएंगे ताकि आप चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सको और ताकि आपकी इकोनॉमी भी चल सके और हमें भी बेनिफिट है वो हो सके। तो इस तरीके से मतलब उनको वरीयता दी जाती है, उन पर टैक्सेस वगैरह कम लगाए जाते हैं ताकि वो सामान ज़्यादा महंगा ना हो सके। तो अभी कंटेक्स्ट आया था कि इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि USA में जाते हैं, तो USA ने अभी ये कहा है कि भाई हम जो ये सामान्य के तुरीयता प्रणाली थी ना GSP, इसके तहत हम एक बार हम वापस से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उनको हम रखना है, कौन कौन से को हम हटा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि इंडिया के लगभग 40 से 50 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस GSP में शामिल थे पहले, तो उन पर अभी USA रिव्यू कर रहा है कि हाँ भाई इनके ऊपर हम मतलब जो चार्जेस वगैरह लगते थे, जैसे हम बात करें यहाँ पे कस्टम ड्यूटी वगैरह जो वो लगाएं या नहीं लगाएं या फिर कम लगाएं कितनी लगाएं, इसको लेके यहाँ पे बात है वो की गई है। तो ये ध्यान रखना है कि जो GSP प्रेफरेंस है वो भी USA को लेके आया है, USA के लेके इफेक्ट यहाँ पे न्यूज़ में आता है, तो इसको हमने यहाँ पे कवर है वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आया है कटलेस एक्सप्रेस को लेके। देखो कटलेस एक्सप्रेस है वो एक एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये एक्सरसाइज है किस किस के बीच में, यह एक्सरसाइज है US की अफ्रीका कमांड और इसके साथ ही नेवल फोर्सेज ऑफ अफ्रीका, ये आपको ध्यान में रखनी है। जो एक अभ्यास ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कि नेवल एक एक्सरसाइज है, कहाँ पे है US अफ्रीकन कमांड और नेवल फोर्सेज अफ्रीका है, उन दोनों के बीच में। फ़ायदा क्या होगा, आपस में नए जो बेनिफिट्स हैं वो शेयर कर सकेंगे, इसके साथ ही जो ओशंस के जो कानून हैं
उनको ढंग से फॉलो किया जा सकता है, जो सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है, ये काम इसके द्वारा किए जाएंगे। तो यह ध्यान रखना है कि जो कटलेस एक्साइज है, सॉरी जो कटलेस एक्सप्रेस एक्साइज है वो किस किस के बीच में है और नेवल एक्साइज है या कौन सी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है लद्दाख को लेकर। देखो कंटेक्स्ट ही आया है कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले दो ही डिवीज़न थी, दो ही संभाग थे, एक था जम्मू और एक था कश्मीर, बट अभी एक तीसरा संभाग भी बनाया गया है वह है लद्दाख। तो ये अभी कंटेक्स्ट है वो आया है, क्योंकि देखो प्रशासन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का टेरेन वैसे ही डिफिकल्ट है, तो लद्दाख वाला रीजन है वो थोड़ा अलग से कटा हुआ रह जाता है, तो वहाँ पर एक तरीके से प्रशासन को और भी स्ट्रॉन्ग काम ढंग से काम किया जा सके, गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके, इसके लिए क्या है वहाँ पर तीन डिवीज़न है वो बना दिए हैं, तीन संभाग है वो बना दिए गए हैं। तो पहला संभाग आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एक एक है जम्मू, दूसरा है कश्मीर और तीसरा हो गया लद्दाख। अब बात करें एरिया के हिसाब से, तो सबसे बड़ा जो एरिया है यहाँ पे संभाग का वो है लद्दाख का, मतलब लद्दाख नंबर वन पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे जम्मू और तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे एरिया के हिसाब से कश्मीर। तो इस तरीके से कश्मीर या श्रीनगर, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में तीन संभाग बना दिए गए हैं। अभी लेटेस्ट जो संभाग बना है वो लद्दाख बना है। यूपीएससी पूछ सकते हैं कि जो लेटेस्ट संभाग है वो लेह बना है वगैरह, तो देखो लेह है वो संभाग नहीं है, लेह का जो हिस्सा है वो लद्दाख वाले एरिया में या लद्दाख संभाग में काउंट है वो किया जाएगा। तो इस तरीके से इफेक्ट है वो भी ध्यान में रखनी है। अब एक दो फैक्ट और हम यहाँ पर देखते हैं। देखो जो लद्दाख वाला रीजन है ना, ये आपको पता है कि एक तरीके से कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होती है और मोस्टली जब सर्दियों के महीने होते हैं उसमें 6 महीने तो लगभग ये बर्फ़ से हमारे जो इंडिया का मेन हिस्सा है, मेन लैंड है, उससे डिस्कनेक्ट सा ही रह जाता है, तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। और अभी वहाँ पर हम बात करें उसकी एल्टीट्यूड की या हाइट की, तो समुद्र तल से वो लगभग 9,800 फीट ऊँचाई पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पॉपुलेशन की बात करें लद्दाख की, तो पॉपुलेशन बहुत ही कम है और डेंसिटी तो ऑब्वियसली बहुत ही कम होनी है, बट यहाँ पर वेदर की जो कंडीशन है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे होती है, मतलब यहाँ पे वेदर है वो काफ़ी इनरेगुलर, काफ़ी ख़राब रहता है, ये यहाँ की एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कुछ इसके इफेक्ट थे लद्दाख के बारे में जो हमने डिस्कस किए। आप ये बताइए कि जो सिंधु रिवर है वो इंडिया के कौन से ज़िले से होके बहती है। सिंधु रिवर है जो इंडस रिवर हम जिसे कहते हैं, वो इंडिया का एक ही ज़िला है जिससे होके बहती है, उस ज़िले का नाम आपको बताना है कहाँ से होके वो बहती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है CMS, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप एक ये ध्यान रखना कि जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल यानी कि CMS है, इसको हम बोन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना कि बोन कन्वेंशन हो या फिर CMS हो, दोनों एक ही चीज़ हैं। कंटेक्स्ट अभी यह है कि जो CMS या बोन कन्वेंशन के जो 13वां समिट है, जो 13वीं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसको इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है, और ये है वो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में। तो ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो 13वां इसका समिट है, सॉरी जो 13वीं कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज़ है बोन कन्वेंशन की, वो 2020 में 15 से 22 फरवरी के बीच में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। इसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर जैसे काफ़ी सारे पार्टीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, इसके साथ कुछ जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो डिपार्टमेंट्स हो गए या फिर जो कुछ ग्रुप हो गए वो इसमें पार्टिसिपेट हैं, वो करने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। अब हम यहाँ देखते हैं कि बोन कन्वेंशन है क्या। देखो बोन कन्वेंशन है ये बनाई गई थी 1983 में और इंडिया इसका उस टाइम से ही मेंबर है। किस किसके द्वारा ये बनाई गई थी ये ट्रीटी? ये बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बोन कन्वेंशन है वो UNEP के द्वारा ही डेवलप है, वो की गई थी। काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि सस्टेनेबल जो यूज हुआ माइग्रेटरी एनिमल्स का और उनका जो आवास है उसको कंजर्व किया जा सके, मतलब जो प्रवासी पक्षी होते हैं, माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं, या से आप एनिमल्स का काउंट कर लो या फिर पक्षियों को काउंट कर लो, उनको प्रिजर्व करना, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसी में उनको रखना, ऐसा नहीं है कि उनका जो नेचुरल आवास वगैरह वो ख़त्म हो जाए, इसके लिए बोन कन्वेंशन है वो काम है वो करती है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया प्रवासी पक्षी, प्रवासी प्रजातियाँ नहीं, प्रवासी प्रजाति वो प्रजाति होती हैं जो कि मौसम, भोजन के लिए या फिर धूप या फिर तापमान या फिर जलवायु ऐसे कारक है ना, इनकी वजह से समय समय पर एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं। जैसे किसी साइबेरियन क्रेन है, वो आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में इंडिया में आ जाता है, क्यों? क्योंकि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़बारी होती है, इसीलिए वो इंडिया की यात्रा में आ जाते हैं और इंडिया में अपना जीवन है वो विचरण करते हैं। तो ये स्पीसीज होती हैं प्रवासी स्पीसीज।
अब आपको ध्यान रखना कि सीएमएस है ना, इसमें दो अपेंडिक्स हैं, जिस तरीके से आईयूसीएन में अलग अलग बनाई गई है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंजर्ड, इंडेंजर्ड वल्नरेबल वगैरह इस तरीके से, तो सीएमएस या बोन कन्वेंशन में दो हैं, एक तो है अपेंडिक्स वन, एक है अपेंडिक्स टू। अपेंडिक्स वन तो वो स्पीसीज, अपेंडिक्स वन में तो वो स्पीसीज डाली जाती हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर, मतलब ऑलमोस्ट गिनी चुनी बची हैं दो चार पीस, और अपेंडिक्स टू में वो आती हैं कि जिनको इंटरनेशनल लेवल पे कंजर्व करना या उसके लिए स्टेप उठाना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखनी है कि सीएमएस या बोन कन्वेंशन में दो अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स वन और अपेंडिक्स टू। तो ये हमने बेसिक फैक्ट को यहाँ पर कवर किए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है एशियाटिक लो एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लेके। कंटेक्स्ट यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके द्वारा भी एशियाटिक लो एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो एशियाटिक लो एंड की प्रजाति है, जो एशियाटिक लो एंड है गिर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उनको प्रिजर्व किया जा सके। देखो इनकी संख्या जो एशियाटिक लोन है, ये बेसिकली पाए जाते थे पहले ईरान से लेके और इधर इंडिया वाले बेल्ट तक, बट हुआ क्या था, आज़ादी के बाद इनकी संख्या में काफ़ी भारी गिरावट आई, और लगभग हम बात करें 2000 के आसपास तो इनकी संख्या वो 40-50 के आसपास ही रह गई थी। इसके बाद इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप उठाए और इनकी पॉपुलेशन या इनकी ग्रोथ में काफ़ी अहम स्टेप है वो उठाया गया था, और 2000 में इनकी जो संख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो हो गई थी लगभग 523। और जो एशियाटिक लोन है वो आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। इंडिया में कहाँ पर? इंडिया के अंदर गुजरात के अंदर गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पे मेनली ये पाए जाते हैं। इसके अलावा गिर सेंचुरी भी वहीं पे है, और यहाँ पे पनिया सेंचुरी है, इन दोनों इन एरियाज में वहाँ पे पाए जाते हैं। और वहाँ पे एक सेंचुरी और है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, मिथिला सेंचुरी। तो यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है कि मिथिला सेंचुरी कहाँ पे है, पनिया सेंचुरी कहाँ पे है, गिर नेशनल पार्क वगैरह कहाँ पे है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गुजरात के एरिया में ये चीज़ें हैं, तो ये फैक्ट यूपीएससी पूछ सकती है। अब आप ये बताइए कि जो एशियाटिक लोयन है वो आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में आता है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो एशियाटिक लोयन है वो आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में आता है। अब देखो, जो एशियाटिक लोयन को कंजर्व करने के लिए चार तरह के स्टेप उठाए जाते हैं। एक स्टेप तो यहाँ पे है जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, यानी कि जीपीएस है, इसके आधार से उनको ट्रैक किया जाता है कि भाई कौन कौन सा जो बाघ कौन कौन से शेर हैं वो किधर क्या मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरा होता है ऑटोमेटेड सेंसर ग्रिड, मतलब जगह जगह पे जंगल में सेंसर लगा दिए जाते हैं, फिर उनके आधार पर देखा जाता है कि भाई अब इस टाइम पर शेर यहाँ पर दिखा था तो इसके बाद यहाँ पर दिखा, इसका मतलब उसकी मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। और तीसरा होता है नाइट विजन कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट, मतलब नाइट विजन के कैमरे लगाए जाते हैं और उनकी हेल्प से देखा जाता है कि भाई शेर है वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो ये एक तरीका हुआ। इसके साथ ही एक होता है जीआईएस बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है कि ऊपर से ड्रोन वगैरह हुआ, इनकी हेल्प से उनको देखा जाता है कि भाई उनको कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ वो जा रहे हैं। तो ये कुछ तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, एक न्यूज़ थी छोटी सी, ध्यान रखना, वो है आईएलओ के लिए। आईएलओ का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये बना था 1919 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। तो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वर्कर्स की हालत थी वो काफ़ी खस्ताहाल हो चुकी थी। वर्कर्स के पास इतनी मतलब मजदूरी हुआ नहीं करती थी, उनको ना ही पैसे मिलते थे, उनको काफ़ी ओवर टाइम करवाया जाता था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ता था। और इसीलिए जो लेबर क्लास है, इसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए, आपको पता है उस टाइम पर एक राष्ट्रसंघ का निर्माण है वो किया गया था। और जो राष्ट्रसंघ है, खैर वो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया था, बट उसी के दौरान आईएलओ का निर्माण है वो किया गया था, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण है वो किया था। इसका काम क्या है कि जो लेबर क्लास है, इसके लिए रूल रेगुलेशन गाइड वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह तैयार करना, इसके साथ ही उनके राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने का काम है उसके द्वारा किया जाता है। तो वो भी कंटेक्स्ट आया था कि भाई 1919 में ये बना था और आज 2019 हो गए हैं, तो इसको पूरे बने हुए 100 साल हो गए हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में भी न्यूज है वो आई है। तो यूपीएससी आईएलओ के बारे में पूछ सकती है। ये आपको ध्यान में रखना कि आईएलओ है वो आज यूएन या संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अहम स्पेशलाइज एजेंसी के तौर पे भी पार्ट है। तो ये इफेक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यूएन से पहला बना हुआ है बट फिर भी इसका पार्ट है, ये यूपीएससी थोड़ा कन्फ्यूज है वो कर सकती है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। जो पीडीएफ है और जो क्वेश्चन हैं वो आपको वो वेलकम यूपीएससी के पेज से आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।